الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الذي من علينا بنبيه دون الأمم الماضية والقرون السالفة سيد خلق الخالق حامل رسالة المرسل الصادق المصدق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم وظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم المرور وثبت لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللہ تعالیٰ کے لا تعداد انگنت بے حساب اور بے شمار احسان ہیں اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم ایام عظام اللہ کے رسول اور اہل بیت کی سیرت کو مشاہدہ کر سکیں اور ان کی عزاداری برپا کر سکیں اس کے بعد تمام مومنین کا شکر ادا کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان مجالس میں شرکت کی اور اس کے بعد ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے دامیں درہمیں سخنیں کسی بھی اعتبار سے ان مجالس کے لیے وعلیکم السلام تعاون کیا چاہے وہ سیکیورٹی کے افراد ہوں چاہے وہ نیاز اور تبرک کا انتظام کرنے والے افراد ہوں چاہے وہ افراد ہوں کہ جنہوں نے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا چاہے وہ افراد ہوں
कि जिन्होंने आवाज़ और सौती अबजार और आलात का इंतज़ाम किया। गरज ये कि जिस भी एतबार से इन मजालिस में जो जो मोमिनीन ने जो जो तआवुन किया है, परवरदिगार आलम उनकी इस सईये जमील और कोशिश को कबूल व मकबूल फरमाए। अज़ीज़ाने गिरामी, सूरह फुरकान कुरान मजीद का 25वां सूरह है और इस सूरह की 74वीं आयत है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, वल्लदीना यकूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजना, वो लोग खुदा के बंदे खुदा के सच्चे इबादुर रहमान, ये वो लोग हैं कि जो कहते हैं ऐ हमारे परवरदिगार हमें हमारी अज़वाज से वज़ुर्रियातना और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फरमा, वज्अलना लिलमुत्तकीना इमामा और हमें मुत्तकीन के लिए इमाम करार दे। जैसा कि गुज़िश्ता मजालिस में मुख्तलिफ रवायात और अहादीस आपके सामने पेश की गई कि जिसमें आइमाए मासूमीन ये फरमाते हुए नज़र आते हैं कि ये आयत बिलखुसूस कुल्ली तौर पर अपने माना देने के एतबार से और इमामुल मुत्तकीन के माना पहुँचाने के एतबार से नहनु हुम अहलुल बैत, हम वो अहले बैत हैं जिन पर ये जिनकी खातिर और जिनकी शान में ये आयत नाज़िल हुई। तो इमामुल मुत्तकीन की मुख्तलिफ सिफात हमने मुशाहिदा की, जहाँ मौला की फर्दी इंफरादी इज्तिमाई अखलाकी खानवादे की फैमिली की खसूसियात, इसी तरीके से मुख्तलिफ सिफात का जहाँ हमने मुशाहिदा किया वहाँ मौला की एक सिफत है कज़ाई सिफत, कि मौला के फैसले कैसे हुआ करते थे। मौला कज़ावत के एतबार से, फैसलों के एतबार से जब उनके सामने कोई केस आया करता था तो वो फैसले किस तरीके के मौला के हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता है कज़ाई सिफात। मौला की कज़ा और अज़ावत के बारे में छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि मौला कज़ा के एतबार से इतने बेहतरीन थे कि कोई ऐसा फैसला न था कि वो मौला ने किया हो और अल्लाह के रसूल के दीन की सुन्नत बन जाए। सुन्नत ना बने ये हो नहीं सकता, जो फैसला मौला ने किया वो अल्लाह के रसूल के दीन की सुन्नत बन गई। और एक और जुमला खुद मौला का नजर आता है कि मौला फरमाते हैं कि अगर मेरे सामने दो मुख्तसिमान लड़ाई करने वाले आए और आकर अपना केस मेरे सामने पेश करें, अपना दावा मेरे सामने पेश करें, अपनी लड़ाई मेरे सामने पेश करें, तो अली जो फैसला करेगा अगर हालात कसीरा भी गुजर जाएं और कई साल भी गुजर जाएं उसके बाद ये दोनों अफराद दोबारा अपना फैसला लेकर आए तो अली के फैसले में कोई तब्दीली नजर ना आएगी। मौला का फैसला ऐसा फैसला होता है। मौला कज़ावत के बारे में कहते हैं कि चूंकि कज़ा हकीकी कज़ा और हकीकी कज़ावत वो हुआ करती है कि जो ना कभी तब्दील हो सके और ना कभी ज़ाहिर हो सके। फिर मौला एक मकाम का इरशाद फरमाते हुए नज़र आते हैं कि अगर मुझे कुर्सी अदालत पर बिठाया जाए और कुर्सी अदालत पर कज़ावत पर बिठाने के बाद मेरे सामने अहले तौरात में से कोई आए तो अली तौरात के मुताबिक उसका फैसला करेगा, अगर अहले ज़ुबूर में से कोई आए तो अली अहले ज़ुबूर के मुताबिक उसका फैसला करेगा, अगर अहले इंजील में से कोई आए तो ये अली अहले इंजील को इंजील के मुताबिक फैसला सुनाएगा, और अगर अहले फुरकान से कोई शख्स आए और अपना फैसला मांगे तो ये अली कुरान और फुरकान के मुताबिक उसका फैसला पेश करेगा। फिर मौला फरमाते हैं कि
कोई ऐसी कुरान मजीद के अंदर आयत नहीं है कि जो अल्लाह के रसूल पर नाजिल हुई हो, चाहे वो आयत समंदर के किनारे नाजिल हुई हो या खुश्की में नाजिल हुई हो, पहाड़ पर नाजिल हुई हो या आम जमीन पर नाजिल हुई हो, कहीं भी नाजिल हुई हो, ये अली है जो ये बता सकता है कि ये आयत किसके लिए नाजिल हुई और किस खातिर नाजिल हुई। सलावात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वाला फैसले के एतबार से खुदा के हुक्म की रियायत करते हुए नजर आते हैं। हत्ता ये कि अल्लाह के रसूल के जमाने में एक मरतबा मौला दूसरी तरफ मौजूद हैं, जबकि अल्लाह के रसूल एक शख्स से, एक एराबी से खरीदो फरोख्त का मामला कर रहे हैं। ये रिवायत शिया और सुन्नी दोनों कुतुब में मौजूद है। अल्लाह के रसूल एक एराबी से, एराबी अरब के उस शख्स को कहते हैं जो बुद्धू अरब होता है, जो साहिल, जो सहराओं में रहा करता है और मदीने कभी कभार आ जाया करता था। तो ये एराबी अल्लाह के रसूल को ये ऊँट बेचता है, एक ऊँट बेचता है 400 दिरहम में। अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब ये 400 दिरहम उस एराबी को देते हैं। जैसे ही ये एराबी इन 400 दिरहम को कबूल करता है तो लेने के बाद कहता है और चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। रिवायत के अंदर है सहा, चीखना शुरू कर देता है कि ये ऊँट भी मेरा है और ये 400 दिरहम भी मेरे थे, और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ दावा करता है कि ना तो 400 दिरहम अल्लाह के रसूल के हैं और ना ही ऊँट। तो हबीब खुदा जाते हैं और एक शख्स के पास जो बेहतरीन सहाबी बाल फिरकों के दरमियान शुमार होता है, उसके पास जाकर कहते हैं कि हमारे दरमियान फैसला करो, ये सन रसीदा है, ऐ एराबी क्या तुम इनके फैसले को मानोगे? तो वो कहता है कि हाँ ये सन रसीदा है, बूढ़े हैं तो मैं इनके फैसले को मानूंगा। तो वो हस्ती ये जवाब देते हैं कि ये तो बहुत ही आसान है, वाज़िहुल क़ज़िया है, इसका ये कज़ावत तो बहुत आसान है, चूँकि इसके हाथ में 400 दिरहम है और इसी के हाथ में ऊँट है, तो इसलिए आप चूँकि दावा कर रहे हैं तो आपको गवाह लाने की ज़रूरत है, आप गवाह पेश कर दें और अपना माल लेके चले जाएं। अल्लाह के हबीब जाते हैं और दूसरे शख्स के पास पहुँचते हैं। दूसरे शख्स के पास पहुँचने के बाद वो भी वो शख्स के जो फ़र्क करने वाला था मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, तो वो कहते हैं कि क्या तुम इसकी बात मानोगे? तो कहता है एराबी हाँ मैं इसकी बात मान लूँगा। कहते हैं अल्लाह के हबीब के बताओ यहाँ क्या फैसला किया जाए? तो वो फ़र्क करने वाला सहाबी कहता है कि हाँ ये तो बहुत वाज़े है, जैसा पहले ने बताया वैसा ही यहाँ पर फैसला बनता है, चूँकि 400 दिरहम इस एराबी के हाथ में है और ऊँट भी इस एराबी के हाथ में है, तो जिसके हाथ में जो चीज़ होती है वो उसका माल होती है, और उसके सामने वाला अगर कोई दावा करता है तो उसे ज़रूरत है कि वो जाकर अपने लिए दो गवाह लेकर आए, बैना लेकर आए। अल्लाह के हबीब तीसरे फर्द के पास जाते हैं जो जवान होता है, शाब होता है, और कहते हैं कि ए एराबी क्या तुम इस जवान की बात मानोगे? तो वो कहता है इस जवान का नाम क्या है? तो अल्लाह के हबीब कहते हैं इस जवान का नाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वो कहता है हाँ इस जवान की खूबरू शख्सियत से ये पता चलता है कि ये बड़ा तजुर्बेकार है, मैं इसकी बात को मानूंगा, मैं इसके सामने अपना कज़िया पेश करता हूँ। वो कहता है कि ये ऊँट भी अन्नाकतुली व दराहिमुली, ऊँट भी मेरा है और ये 400 दिरहम भी मेरे हैं, जबकि ये तुम्हारा रसूल कहता है कि ये ऊँट और ये दराहिम खरीदो फरोख के मामले में पेश आए हैं, और ये दराहिम पहले अल्लाह के हबीब के थे जो उन्होंने मुझे देकर ये ऊँट उससे ख़रीदा है, जबकि ये ऊँट और ये दराहिम दोनों मेरे हाथ में, ये मेरा माल है।
अल्लाह के हबीब मौला की तरफ निगाह करते हैं, मौला एक ही जुमला कहते हैं, खल्ले अन्नाकता व खल्ले रसूल अल्लाह, कि नाका भी तू छोड़ दे और अल्लाह के रसूल को भी तू छोड़ दे, ना कोई गवाह तलब करते हैं ना कुछ, कहते हैं खल्ले नाकता, ऊंट को भी तू छोड़ दे और अल्लाह के रसूल को भी तू छोड़ दे, वो नहीं मानता। वो दोबारा से मौला कहते हैं खल्ले नाकता व रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को भी तू छोड़ दे और नाके को भी तू छोड़ दे। जब तीन दफा मौला कहते हैं और वो नहीं मानता तो मौला लाठी उठाते हैं, उसके सर पर जोर से ज़ैबत लगाते हैं, इतना पीटते हैं कि अहले हिजाज जमा हो जाते हैं और आकर कहते हैं कि उसका सर मौला ने इतना पीटा कि खून जारी हो गया। वो ये कहने पर मजबूर हो गया कि हाँ मैं झूठ बोल रहा था, अल्लाह के रसूल सच्चे हैं, और ये कहकर चला गया। मौला फिर उस वक्त अल्लाह के रसूल से कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपकी सदाकत की तस्दीक उस वक्त की जब आपने ये कहा कि हम पे खुदा की वही नाजिल होती है, तो जो रसूल जिसकी हम उसके वही के नाजिल होने पर और उसकी सदाकत पर तस्दीक करें, क्या हम उस 400 दिरहम के लिए उसकी सदाकत के पर किस पर नारा लगाए? नऊज़ुबिल्लाह। मौला उस वक्त ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि वो वही जो आम लोगों को नजर नहीं आती थी, उस वक्त हमने सदाकत की बात की और अल्लाह के रसूल की तस्दीक की, तो क्या इन 400 दिरहम के लिए हम अल्लाह के रसूल को झुठला देंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हर दफा फैसला और कजिया सिर्फ कवानीन और उसूल को देखकर नहीं किया जाता है, कभी कभार अगर सामने की शख्सियत मासूम है और ऐसी है कि जिसकी सदाकत में कोई शक व शुबा ना हो, तो वहां उस मासूम को अहमियत दी जाती है। तो कजावत के एतबार से अली इतने ज्यादा आगे नजर आते हैं कि सामने वाले अफराद भी ये कहते थे कि हम जब किसी मुश्किल में फंस जाते थे, किसी फैसले को नहीं कर पाते थे, तो अली से मशवरा लेकर फैसला क्या करते थे। यही मौला कजावत के एतबार से जब ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अहले तौरात के दरमियान तौरात से, जबूर के दरमियान अहले जबूर के दरमियान जबूर से, अहले इंजील और अहले फुरकान के दरमियान उनकी किताब से फैसला करता हूँ, तो यही मौला नजर आते हैं कि ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि आज अली हुकूमत को हासिल करने के बाद ये जुमला कह रहा है कि वो तमाम आसमानी किताबों के मानने वालों के दरमियान उसकी किताब के एतबार से फैसला करेंगे, और कल मेरा बेटा जो कायम आले मोहम्मद अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ है, वो जब इस दुनिया के अंदर अदल इंसाफ को उसी तरीके से भर देंगे जिस तरीके से जुल्म सितम भर चुका होगा, वो भी इसी तरीके से फैसला करते हुए नजर आएंगे कि तौरात के दरमियान तौरात के मुताबिक, जबूर के दरमियान अहले जबूर के दरमियान जबूर के मुताबिक, और अहले इंजील और अहले फुरकान के दरमियान उनकी किताबों के मुताबिक फैसला करें। तो अजीजाने गिरामी, अजावत अगर मौला की नजर आती है तो मुख्तलिफ कैफियात में नजर आती है। चंद ऐसे तरीके हैं जो मौला की अजावत में आपको नजर आते हैं। पहली बात यह कि मौला जब फैसले किया करते थे तो रिवायत के अल्फाज हैं कि जब तक पहला दावेदार और पहला लड़ाई करने वाला अपनी बात को तमाम ना कर लिया करता था, मौला के चेहरे पर कोई आसार जाहिर नहीं होते थे। क्योंकि जो काजी होता है उसके सामने जब दो दावेदार आते हैं, एक दावेदार ज्यादा चीखना शुरू करते और दूसरा दावेदार उसे इतना ज्यादा बोलना ना आता हो, तो ज्यादा चीखने वाला हावी हो जाया करता है। मौला की यह सिफत थी कि मौला के सामने जब दो लड़ाई करने वाले आते थे तो अगर पहले की बात सुनते थे तो सुनने के बाद भी तरतीब असर नहीं देते थे, उनके चेहरे पर कोई आसार नुमाया नहीं होते थे। मौला दर्ज दे रहे कि देखो, अगर तुम्हारे पास कोई लड़ाई करने वाले आए आपके खानदान में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में कुछ अफराद आकर आपसे कहते हैं आप हमारे दरमियान सुलह सफाई करवाएं, आप हमारे दरमियान हमारे झगड़े को खत्म करें, तो मोमिन को ऐसा होना चाहिए
कि मोमिन सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू सुनकर तरतीब असर ना दे दे, अपने चेहरे से गुस्से का इजहार करना शुरू ना कर दे और दूसरे शख्स की बात को सुने बगैर फौरन ही फैसला ना कर दे कि हाँ ये पहला शख्स सही है। नहीं, मौला दर्ज दे रहे हैं कि जब तक उस पहले शख्स की बात तमाम ना हो जाए और दूसरे शख्स की बात को कामिल तौर से सुन ना लो, तब तक तुम्हें हक नहीं है कि तुम फैसला करो, अजावत करो। दूसरी चीज, दूसरी सिफत जो मौला की कजावत के अंदर थी वो ये कि जब दूसरे शख्स की बात को भी सुन लिया करते थे तब भी फैसला नहीं करते थे, एक लम्हे के लिए तआमुल करते थे। रिवायत के अल्फाज हैं, कजिए के मुअतियात में गौर व फिक्र करते थे, उसके असासी चीजों में, बुनियादी चीजों के अंदर गौर व फिक्र करते थे। आज का मोमिन भी ऐसा हो कि जब दो अफराद उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि फला मसले का हल क्या हो, फला मुश्किल का हल क्या हो, हमारे दरमियान झगड़ा है इसका हल क्या हो, तो वो दोनों अफराद की गुफ्तगू सुनने के बाद भी फौरन एक जानिब की तरफ फैसला ना करते बल्कि कजिए की असास को, बुनियादी चीजों का मुशाहिदा करें। क्यों मौला ऐसा क्यों करते थे? जब मौला से पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करते हैं या फौरन फैसला नहीं देते और बहुत तआमुल करने के बाद फैसला सुनाते हैं, तो मौला ये जुमला कहते थे कि अल्लाह के हबीब का ये कौल है कि तुदरुल हुदूद बिशुबहात, ये सजाएं जो किसास वाली सजाएं होती हैं या फुरूज वाली सजाएं होती हैं, जो खतरनाक सजाएं होती हैं जिससे किसी की जान चली जाती है, वो इतनी खतरनाक होती है कि वो शुबहात के जरिए से खत्म कर दी जाती है। अगर कहीं पे शुबहा भी हो जाता है कि फला शख्स ने जुर्म नहीं किया, सिर्फ शक हो जाता है हल्का सा, तो उसे शक का बेनिफिट मिलना चाहिए, उसकी जान नहीं ली जाएगी। ये कायदा फिकहिया है और मौला का ये कौल फिक्र का कायदा बन जाता है, कानून बन जाता है। आज भी हौजे के अंदर सिर्फ मुझे याद है हमारे एक उस्ताद थे जिन्होंने कवायद फिकिया की क्लास में उसके दर्स में सिर्फ इस जुमले पर कि तुदरुल हुदूद बिशुबहात चार महीने गुफ्तगू की कि हर एंगल से हर एतबार से। बाज़ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हौजे के अंदर इतना टाइम क्यों लग जाता है, हौजे में बाकी तमाम दीनी तालीमात के, बाकी दुनियावी तालीमात के एतबार से कोई ग्रेजुएशन करता है चार साल में, आठ साल में खत्म हो जाता है, पीएचडी खत्म हो जाता है दस साल में, हौजे के अंदर 19 साल आपने गुजार दिए, 25 साल हौजे में उलमा गुजार देते हैं, 35-35 साल गुजार देते हैं और उसके बाद भी कहते हैं कि हमारी तशनगी दूर नहीं हुई, तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह यही है कि दीन के अंदर मासूमीन ने ऐसे कवायद दिए हैं कि अगर दुनिया में कोई भी नई चीज आ जाती है, नया मसला आ जाता है, दीन उसके बारे में खामोश नहीं है कि वो ये कहे कि भाई अब टेस्ट ट्यूब बेबी का मसला आ गया है तो अब दीन को जवाब नहीं दे सकेगा, इसका कोई वाजिब हराम मकरूह मुबाह मुस्तहब का जवाब नहीं दे सकेगा। नहीं, आइमा मासूमीन ने ऐसे कवायद दे दिए कि उन कवायद के ऊपर सालों साल बहस होती है और उसे इतना ज्यादा फैलाने के बाद भी मुश्तहिद ये कहता है कि अभी भी कुछ ऐसी चीजें रह गई हैं जिनको बयान करने के लिए दरसे खारिज के उस तलबा जाएं और तहकीक करें और बयान करें। ऐसा कानून मौला ने कजावत का दिया जिस पे इतने अरसा भी गुफ्तगू हो जाए तब भी खत्म नहीं होती, तुदरुल हुदूद बिशुबहात, ये सजाएं और जान लेने वाली सजाएं, एहसास वाली सजाएं वो खत्म हो जाती है शको शुबहात के जरिए से। इंसान कभी भी बाज़ दफा ऐसे जुमलात कहते हुए नजर आता है खानदानी झगड़ों के अंदर कि तूने मेरे साथ ये किया, फला ने मेरे साथ ये किया, मैं तो उसकी जान ले लूंगा। नौज़ुबिल्लाह, अज़ीज़ाने गिरामी, मौला अगर किसी के जुर्म के बारे में ज़ेवा बराबर शक हो जाता था तब भी फैसला नहीं सुनाते और हुक्म में क़िसास नहीं दिया करते थे। हत्ता दियात के मामले में भी मौला इतने मोहतात नजर आते हैं कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि अगर कोई शख्स पहली गवाही दे और गवाही देने के बाद फैसला कर दिया जाए, फिर दूसरा शख्स कोई आए और आकर उसके खिलाफ गवाही दे, तो ये जो दूसरी गवाही है इसको अहमियत दी जाएगी और उसे अगर वो आदिल है तो उसे फौकियत दी जाएगी। लेकिन अगर यही पहला शख्स जिसने पहली गवाही दी वही पलट कर आए और आकर अपनी गवाही से पलट जाए, अपनी गवाही से मुंह फेर ले, तो मौला कहते हैं कि उसकी गवाही को नहीं मानना चाहिए, दूसरी गवाही को नहीं माना जाएगा, क्योंकि पहली गवाही के अंदर अगर वो आदिल था और सच्चा था तो
तो अब जब वो दूसरी गवाही लेकर आया है तो ये इस बात का सबूत है कि उसकी अदालत खत्म हो गई। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तारीख शाहिद है कि मौला ने सिर्फ अपने गुज़श्ते उहदेदारान के जमाने में ही कज़ावत के फैसले नहीं किए, खुद अपने जमाने में भी ऐसे बेहतरीन फैसले किए कि खुद मौला ने एक मरतबा देखते हैं एक शख्स है जिसका नाम है तलहा, उसकी जरा एक शख्स जिसका नाम तमीमी था उसके पास नजर आती है। मौला जाकर कहते हैं कि ऐ तमीमी शख्स, ये तलहा की जरा थी कि जो उसे मारे गनीमत में मिली थी, ये तेरे पास कैसे? तो वो कहता है कि ये मेरा माल है। मौला कहते हैं नहीं, ये तलहा का माल है। वो कहता है कि आइए जाकर काजी से फैसला करवाते हैं। मौला खिलाफत के मनसब पर है लेकिन फिर भी उसकी इस बात को कबूल करते हैं और काजी शुवैह के पास जाया जाता है। काजी शुवैह से कहा जाता है, मौला कहते हैं ये ज़ेवा मुझे मेरे दोस्त तलहा को माल गनीमत में मिली थी और ये तमीमी कहता है कि ये इसका माल है। तो काजी शुवैह कहता है कि आपको गवाह लाना पड़ेगा। मौला कहते हैं ठीक है, मैं गवाह लाता हूँ, चूंकि माल इसके हाथ में, मैं गवाह लाता हूँ। मौला अपने फर्जंद को लेकर जाते हैं हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को। दूसरे इमाम गवाही देते हैं, काजी शुवैह कहता है ये तो एक गवाही हो गई, अब आप दूसरी गवाही मिलाइए। मौला अपने गुलाम कंबर को लेकर जाते हैं, कंबर भी गवाही देता है कि हाँ ये माल माले गनीमत में मिला था, ये तमीमी का माल नहीं है, तलाक का माल। वो कहता है काजी शुवैह के गुलाम की गवाही अपने आका के हक में कबूल नहीं है। बस अब जब ये मौला सुनते हैं, मौला इस ज़ेवा को उठाकर इस तमीमी की तरफ फेंकते हैं और कहते हैं ए तमीमी जाओ, ये ज़ेवा लेकर जाओ, चूंकि फासिक तरीन और फाजिर तरीन काजी शुवैह ने तीन मरतबा जुल्म के साथ अदालत और कजावत की है। वो काजी शुवैह परेशान हो जाता है, कहता है मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि मैंने किस तरीके से तीन मरतबा जालिमाना कजावत की है। मौला कहते हैं कि अल्लाह के हबीब का इरशाद है कि जब भी कोई माल किसी को माल गनीमत में मिला हो और कोई शख्स आकर ये कहे कि ये माल मुझे माल गनीमत में मिला था, तो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो किसके हाथ में है, बल्कि जिसको माल गनीमत में मिला था वो ही उसका हकदार है। मैंने आकर जब तुझे ये कहा कि ये माल गनीमत में तलहा को मिला था, तो तूने जो ये सवाल किया आप गवाह लेकर आइए, ये तेरी कजावत ज़ालिमाना थी। फिर जब तूने ये कहा कि मैं जब एक पहला गवाह लेकर आया और अपने फर्जंद को लेकर आया, तो तूने ये कहा कि तू दूसरा गवाह लेकर आइए, ये भी तेरी जालिमाना कजावत थी। इसलिए कि अल्लाह के हबीब का इरशाद है कि अगर कोई शख्स हल्फ यमीन और कसम के साथ, अल्लाह के रसूल ने जमीन और कसम के साथ अगर किसी को देखा है कि कोई शख्स कसम खाए और कसम खाने के साथ एक गवाह भी लेकर आए जो आदिल हो, तो अल्लाह के रसूल उस एक आदिल गवाह की गवाही को कबूल कर लिया। जबकि तूने कहा कि आप दूसरा गवाह लेकर आइए और जब मैं दूसरा गवाह कंबर को लेकर आया, तो तूने कहा कि गुलाम की गवाही आका के हक में कबूल नहीं है, जबकि अल्लाह के हबीब का इरशाद है कि अगर गुलाम गुलाम है तो भी इंसान है और इंसान होने के एतबार से अगर वो आदिल है तो उसकी गवाही को कबूल किया जाएगा। ये अली ही वो है कि जो काजी और कुजात की कजावत को भी अल्लाह के हबीब के इरशादात से बातिल करते हुए नजर आते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जाने के वामी दीन में इंसान की अपनी राय नहीं चला करती, दीन में इंसान का अपना कयास नहीं चला करता है, बल्कि वो हुक्म जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का है वो हुक्म चलता है। मौला कजावत के अंदर हकीमाना फैसले करते हुए नजर आते हैं। ऐसे फैसले के दुश्मन भी ये गवाही देता है कि अगर अली ना होते तो फिर हम किसी फैसले को अंजाम ना दे पाते, किसी फैसले को वाकई ना करते नजर आते। यही काजी शुबह है।
जिसने इमाम हुसैन के खिलाफ फतवा दिया था और मजबूर किया था लोगों को कि नऊज़ुबिल्लाह मौला हुसैन बागी, यही काजी शुबैह जो फतवा देता है। तो बाज़ दफ़ा ऐसे काजी कुज़ात उनके कजावत का भी एतबार नहीं है अगर वो इमाम मासूम के खिलाफ फतवा दे जाए। मौला हुसैन ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि काजी शुबैह ने अपने पेट में आग भरी है और अपने पेट में जहन्नुम की आग को पुर किया है। मौला हुसैन जब 28 रजब को निकलते हैं तो मौला के साथ मुख्तलिफ अफराद मौजूद हैं, मुख्तलिफ असहाब मौजूद हैं, मुख्तलिफ अहले बैत मौजूद हैं। एक एक करके फहरिस्त को देखा जाता है, सबके नाम के एतबार से वो शख्स मौजूद होता है, वो हस्ती मौजूद होती है। मौला अब्बास कहते हैं कि ऐ मेरे भाई, एक ऐसा नाम है जो अभी नजर नहीं आया। मौला कहते हैं कि वो कौन है? कहा कि वो हस्ती है कि जिसे अभी 18 ही दिन हुए हैं। 10 रजब को अली असगर की विलादत होती है, 28 रजब को मौला हुसैन सफर करते हैं। जब मौला सफर के लिए निकलते हैं तो ये बच्चा 18 दिन का बच्चा है। उस माँ ने अपने बच्चे को किस तरीके से तैयार किया होगा? इन मजालिस को माएँ और बहनें भी सुन रही हैं। जब वो मजलिस के लिए निकलती हैं तो अपने बच्चे को आमादा करती हैं, अपने बच्चे को तैयार करती हैं। उसमें जो शीर ख्वार बच्चे होते हैं उनके लिए दूध की आमादगी के लिए या तो खुद को आमादा करती हैं या उसके लिए अलग से दूध को रखा जाता है या उसके लिए अलग से पानी को रखा जाता है ताकि ये मजलिस में सुकून के साथ बैठे। लेकिन ये माँ किस तरीके से अपने इस बच्चे को तैयार और आमादा करे कि मौला जब निकल रहे हैं मदीने से तो ये जुमला कहते हुए नजर आते हैं कि ऐ लोगों, याद रखना जो भी मेरे साथ जाएगा वो खुदा की राह में शहीद होगा और अल्लाह के रसूल उसे हौज़े कौसर पर सैराब करेंगे। ये माँ इन अल्फाज को सुनती जा रही है। बस मौला के भाई कहते हैं कि ऐ मेरे भाई हुसैन, इस फहरिस्त में एक नाम ऐसा है जो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। मौला पूछते हैं वो कौन है? तो मौला अब्बास कहते हैं कि ये 18 दिन का बच्चा है अली असगर। मौला कहते हैं वो कहाँ है? ढूंढा जाता है तो वो अली असगर फातिमा सुगरा की गोद में नजर आता है। बस आजादारों, आपने पहली मुहर्रम को आजादारी का आगाज किया, एक एक करके तमाम शुहदा की शहादत को सुना। ये अली असगर की शहादत वो शहादत है जिसे दिल थाम कर सुनना चाहिए। मौला हुसैन एक मरतबा कहते हैं कि फातिमा सुगरा के पास जाते हैं मौला हुसैन तो देखते हैं फातिमा सुगरा ने अली असगर को अपनी बाहों में लिया हुआ होता है, अपनी गोद में लिया हुआ होता है और गिरिया करती भी नजर आती। मौला हुसैन कहते हैं कि ऐ फातिमा सुगरा, ये बेटा मुझे दे दो। फातिमा सुगरा राजी नहीं है कि अली असगर मौला हुसैन के हाथ में दे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो भी हुसैन के साथ जाएगा शहीद हो जाएगा। एक दफा मौला हुसैन इस छोटे बच्चे के कान में कुछ कहते हैं। तारीख ने सिर्फ इतना लिखा, मक्तल के सिर्फ ये जुमले हैं कि मौला हुसैन ने इस छोटे बच्चे के कान में चंद जुमले कहे। ये नहीं लिखा कि क्या कहे, लेकिन बईद नहीं कि ज़बान हाल से ये पता चल जाए कि मौला हुसैन ने शायद इस बच्चे के कान में ये जुमले कहे हो कि ऐ मेरे बेटा, जहां सब अपनी शहादत के नजराने को पेश करोगे ये कैबला का मौका और कैबला की जमीन वो होगी जहां मेरा शिशमहा अली असगर भी कुर्बान होगा। बस मौला हुसैन ने जो चंद जुमले कहे, इस बच्चे ने अपने आप को हुमक कर मौला हुसैन की गोद में आ गया।
और मौला हुसैन ने बच्चे को गोद में लिया। फातिमा सुगरा गिरिया करती हुई नजर आती है, रोती भी नजर आती है। मौला हुसैन इस बच्चे को लेकर कैबला के सफर पर निकलते हैं। बस अजादारों, जब कैबला में शबे आशूर आती है तो शबे आशूर सबके हंसने की आवाज थी। एक एक सहाबी, एक एक बनी हाशिम का जवान मुस्कुराता हुआ नजर आता है, हंसता हुआ नजर आता है कि कल हमें रसूल अपने हाथ से हौज़े कौसर से सैराब करेंगे। आज तो रोने की बात नहीं, मुस्कुराने की बात है। लेकिन एक आवाज है जो रोने की और गिरिया करने की आवाज है, ये वो छोटा शिशमाहा अली असगर है जो 3 दिन से बिलख रहा है, प्यास की शिद्दत से गिरिया कर रहा है, रो रहा है। बस शबे आशूर गुजरी, आशूर का वक्त आया, आशूर का दिन आया। मौला हुसैन एक के बाद एक सहाबी को इजाजत देते हैं। अकीर की औलाद जाती है, शहीद हो जाती है। बनू हाशिम के जवान जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। मौला हुसैन मक्तल में पहुंचकर एक जुमला कहते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, क्या कोई मददगार है जो हमारी मदद को आए। हल मिन मुगीसिन युगीसुना, क्या कोई ऐसा है जो हमारी फरियाद पर लब्बैक कहे। हल मिन मुईनिन युईनुना, क्या कोई मदद करने वाला ऐसा है जो हमारा और मददगार हो। उसके बाद बोला एक जुमला कहते हैं कि कोई ऐसा है जो हमें हमारी पनाह में, अपनी पनाह में रखे। बस अजादारो, मौला का ये जुमला होता है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, क्या कोई मददगार है जो हमारी मदद को आए। बीवियों के खेमों से आवाजें गिरिया बुलंद होती है। मौला हुसैन खेमे में जाते हैं और कहते हैं, ऐ बहन ज़ैनब, ये किसके गिरिये की आवाज है, ये क्यों गिरिया हो रहा है। ज़ैनब जवाब देती है, ऐ मेरे भैया, आपने जैसे ही कहा ना कि कोई मदद को आए, इस छोटे शिशमाए ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। मौला हुसैन कहते हैं, हाँ ये बच्चा लाओ, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चे को हुसैन के पास देने से पहले बच्चे की माँ, वो बाप, इस बच्चे को गोद में लेती है, उसे सुरमा लगाती है, कंघा करती है, आमादा करती है, लेकिन चेहरे को धो नहीं सकती क्योंकि खैबर हुसैनी में पानी नहीं है। ये बच्चा बिलखता था, रोता था, गिरिया करता था, लेकिन बस जैसे ही हुसैन की गोद में आता है, इसका गिरिया खत्म हो जाता है, मुस्कुराता है हुसैन इस नन्हे शिशमाहे के चेहरे को, हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखते हैं। एक मरतबा ये जुमला कहते हैं, ऐ बेटा, हाँ इन कुर्बानियों में तेरी भी कुर्बानी शामिल है। बच्चे को गोद में उठाते हैं, खेमे से बाहर निकलते हैं, अश्किया की फौज के करीब आते हैं, बच्चे को जमीन पर लिटा देते हैं, कर्बला की तपती हुई जमीन पर। बच्चा जब लेटता है तो एक मरतबा तड़पने लगता है। मौला हुसैन कहते हैं, ऐ कौम, तुमने मुझे बहुत अजियत दे दी, मेरे असहाब को कतल किया, मेरे अहले बैत को कतल किया, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, इस बच्चे का क्या कसूर है, इस बच्चे को पानी पिला दो। एक दफा फौज अश्किया में खलबली मचती है। हुसैन जब देखते हैं कि कोई पानी पिलाने करीब नहीं आता, इस बच्चे को गोद में लेते हैं और एक जुमला कहते हैं, ऐ बेटा अली असगर, मैं तो अपनी सुखनवानी खिताबत खत्म कर चुका, हुज्जत तमाम कर चुका, अब तुम ही बताओ तुम कितने प्यासे हो। मौला एक जुमला कहते हैं, ऐ कौम, क्या तुम देखते नहीं हो ये बच्चा कितना प्यासा है। कई फर
अर्दशन व उतुशन कि ये बच्चा किस तरीके से तलज़ो करता है। मैं कहूंगा सदारो जब मैंने ये लफ्ज देखा लुगत में कि मौला फरमाते कैफा यतलज़ा कि ये बच्चा किस तरीके से तलज़ो करता है, मैं परेशान हुआ कि इसके मायना को देखूं। लुगत में देखा तलज़ा इस वक्त को कहा जाता है जब मछली को पानी से निकाला जाता है और उसकी हालत ऐसी हो जाती है, मैं कैसे अर्ज करूं, मछली की हालत ऐसी हो जाती है कि वो मुंह को खोलती है, मुंह को बंद करती है, फिर मुंह को खोलती है, मुंह को बंद करती है। मौला हुसैन कह रहे कैफा यतलज़्ज़ा हाज़ा शार, ये बच्चा क्या देखते नहीं हो प्यास की शिद्दत से कैसे मुंह को खोलता है फिर बंद करता है। बस अली असगर ने अपनी हुज्जत तमाम की, अपनी सूखी जबान को अपने होठों पर फैलाया, बस फौज अशकिया में खलबली मची। बिसरे साथ कहता है या हुर्मला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे। हुर्मला अपने से शोभा तीर को निकालता है, एक दफा तीर को कमान में लगाना चाहता है, तीर गिर जाता है, फिर लगाता है, फिर गिर जाता है, जब तीसरी दफा लगाना चाहता है फिर साथ कहता है ए हुर्मला क्या तू बुज़दिल हो गया, क्या तू डर गया। हुर्मला कहता है मैं क्या करूं, तू देखता नहीं है, मैं जैसे ही तीर को कमान में लगाता हूँ अल्लाह के रसूल मेरे सामने आ जाते और कहते ऐ शकी इतनी शखावत ना दिखा। हुर्मला बिलाखिर तीर को से शोभा तीर को अली असगर की तरफ फेंकता है, वो तीर अली असगर की गर्दन में इस तरीके से पेवस्त होता है कि तीर लगता नहीं है। तारीख कहती है कि तीर से अली असगर ज़िबा हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, एक वक्त से निकल कर दूसरी वक्त से ये तीर निकल जाता है। अल्लाह का नुमाइंदा हुसैन इस बच्चे को गोद में लेते और कहते हैं परवरदिगार मैं जानता हूँ कि तू देख रहा है, ऐनुल्लाह इस वाके को देख रही है कि हुसैन के साथ कितनी अज़ियतें पेश आ रही है। बस जब ये खून हुसैन के हाथों में आता है, मख्तल के अल्फाज है मौला हुसैन इस खून को आसमान की तरफ उछाल देते हैं और जब पलटना चाहते खैमों की तरफ पलटना चाहते परेशान हो जाते हैं कि इस चश्माए को कैसे उसकी माँ के हवाले करें। एक दफा खैमे की तरफ चलते हैं, वापस पलटते हैं, कदम बढ़ते नहीं है, सात मरतबा खैमे की तरफ जाते हैं फिर वापस आते हैं, परेशान होते हैं कैसे इस बच्चे को उसकी माँ के हवाले करें। एक दफा जब खैमे के पास पहुंचते हैं आवाज देते ऐ उबार आओ अपने बच्चे को ले लो। मैं कहूंगा उबार ने तो तारीख के अल्फाज है कि उबार भी दौड़ी सकीना भी दौड़ी लेकिन सकीना उबार से पहले पहुंच गई, चूंकि उबार को तो मालूम था कि अली असगर शहीद होने गए हैं लेकिन सकीना दौड़ती भी आई और कहा बाबा हल सकैता खिया, क्या बाबा मेरा भाई पानी पी चुका, मेरे भाई ने पानी पी लिया। बाबा हुसैन कहते ऐ बेटा इसे अब अल्लाह के रसूल हौज़े कौसर से सेवाब करेंगे। हुसैन खैमे की पुष्ट पर अली असगर के जनाजे को लेकर जाते हैं और जमीन पर रखकर जमीन में दफन करना चाहते रेत डालते हैं, बस पैरों से रेत डालना शुरू करते हैं। छोटा नन्ना अली असगर शिशमा जब रेत उसके चेहरे पर पहुंचती है ये जुमला कहते हैं या वलदी कतुलता अतशाना ऐ मेरे बेटा
दिया। वहाँ वहाँ भी कहती है क्या ये नन्हे बच्चे भी नहे किए जाते, हुसैन रेत को डालते जाते पूरी तरीके से अली असगर की कब्र को मख्फी कर देते हैं। बस अज़ादारो 11 मुहर्रम आती है, अशकिया एक एक करके बनी हाशिम के लाशों को ढूंढना शुरू करते हैं। अदद में एक लाशा कम नजर आता है, अशकिया निकलते कहते हैं कि एक छोटा शीर ख्वार भी था जिसे हुरमला ने कत्ल किया था, नेजे को जमीन में गाड़ा जाता है। दिल थाम कर सुनिएगा, एक नेजा जब जमीन में जाता है तो खाली नहीं आता, छोटे शीश मारे के सर के साथ। الله لعنة الله في عالمين.